दिस वीडियो इज एन एसोसिएशन विद पे नियरबाय ऐप। पे नियरबाय ऐप के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई, तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियरबाय ऐप। हाल ही में एक खबर आई कि विंडोज 11 अपग्रेड के नाम पर हैकर्स मालवेयर अटैक कर रहे हैं। मालवेयर से जुड़ी ऐसी खबरें आए दिन आती रहती हैं और हमें यकीन है कि ऐसी खबरों से आपका वास्ता भी पड़ता होगा। अब मालवेयर है क्या, वो मोटा माटी तकरीबन सभी को मालूम है। आसान भाषा में बताएं तो वायरस का बड़ा भाई है जो सिस्टम का माल मतलब डेटा तो उड़ाता ही है, अपनी कारिस्तानियों से अकाउंट वगैरह का डिटेल पता करके जेब पर डाका डालने से भी नहीं चूकता। सिर्फ सिस्टम पर कब्जा कर पाया और किस्मत से अकाउंट डिटेल नहीं मिल पाए तो धमकी देकर पैसा भी मांगता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मालवेयर पीछा नहीं छोड़ता। सोचिए अगर ये मालवेयर आपके सिस्टम में घुस जाए तो हम कहेंगे आपको घबराना नहीं है, आपको बस पहचान करनी है और सही तरीके से उससे निपटना है। कैसे, ये हम बताएंगे। यदि ब्राउजर रास्ता भटकने लगे, आमतौर पर या अधिकतर समय इंटरनेट ब्राउजर आपको उसी वेबसाइट पर या उसी लिंक पर ले जाते हैं जहां आप जाना चाहते हो। समझने के लिए, यदि आपने किसी बैंक की वेबसाइट सर्च की है तो ब्राउजर वही वेबसाइट या उससे जुड़ी कुछ और वेबसाइट के पेज दिखाता है। अब ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। एप्पल खोजने पर एप्पल की जगह यदि दूसरे ऐसे फूड्स दिखाने लगे जिनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, या फिर आपके बैंक की जगह बैंक जैसी दिखने वाली दूसरी वेबसाइट्स पर पहुंचाने लगे तो खतरा सामने है। ऐसा ब्राउजर में नकली यूआरएल या अनजाने एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है। पहली फुर्सत में ब्राउजर सेटिंग्स का रुख कीजिए। कोई अवांछित एक्सटेंशन अगर आपको नजर आता है तो तुरंत उसे डिलीट कीजिए। आप ब्राउजर डिलीट करके यदि संभव हो तो रीइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने में ही भलाई है। अगर सोशल मीडिया रहस्यमय हो जाए, यानी कोई फोटो अगर आपको ऐसी दिखे जो आपके जैसी हो लेकिन आपकी नहीं हो, तो अपने आंख और कान खोल लें। ऐसे पोस्ट पर कई बार ये भी लिखा होता है, कहीं आप तो नहीं। अब फोटो एडिट करना कौन सा बड़ा काम है, चिपका दी आपकी फोटो किसी और पर। पोस्ट से अलग डायरेक्ट मैसेज में उल्टे सीधे या लुभावने संदेश नजर आने लगे तो ये भी संकेत साफ है। ऐसी पोस्ट या डायरेक्ट मैसेज पर भूल कर भी क्लिक नहीं करना है, बस ब्लॉक कर देना है। सिस्टम सेटिंग्स में बदलाव, स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप की सेटिंग्स में अपने आप अगर बदलाव दिखे, ये बदलाव कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि अलार्म का टाइम बदल जाना या किसी ऐसे ऐप के नोटिफिकेशन आने लगना जो आपने बंद कर रखा हो, अपने आप टास्क मैनेजर रन होने लगना या क्रिटिकल बैटरी अलर्ट मिलना आपके लिए चेतावनी है। टास्क मैनेजर रन करके मालवेयर अपने को आपसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पॉपअप्स का फव्वारा, वेबसाइट पर फव्वारे की शक्ल में आते पॉपअप्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बहुत आम तरीका है मालवेयर का। अजीब अजीब से पॉपअप जैसे 7 दिन में गंजे सर पर बाल या फलाने बंदे की 1 दिन की कमाई आपको चौंका देगी। अब ऐसे पॉपअप हर जगह आपको नजर आने लगे तो भूल कर भी इन पर क्लिक ना करें, अच्छा होगा इनको ब्लॉक ही रखें। डर का धंधा, आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ऐसी चेतावनी स्क्रीन पर नहीं देखी होगी। इसको कहते हैं डर का धंधा। फर्जी एंटीवायरस एप्स के सहारे ऐसा डर फैलाया जाता है और आपको अपने सिस्टम को स्कैन करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपने किया स्कैन तो आगे आपको शायद पता ही हो कि क्या होगा। हमें तो नहीं पता, क्योंकि वो तो मालवेयर पर निर्भर करेगा। जिस भी वेबसाइट या ऐप पर ऐसी चेतावनी आए उसको ब्लॉक करने में ही आपकी भलाई है। उगाही का मैसेज, अब ये मैसेज आपको स्क्रीन पर ईमेल या एसएमएस की शक्ल में आ सकता है। लिखा होगा कि हमने आपको स्मार्टफोन या लैपटॉप पर कोई उल्टी सीधी हरकत करते या फिर पॉर्न वेबसाइट देखते रिकॉर्ड कर लिया है, अब इतने पैसे दो वरना सबको बता देंगे। ऐसे मैसेज की भाषा और तरीके इतने वास्तविक होते हैं कि बड़े से बड़े धुरंधर गच्चा खा जाएं। अब सोचिए आपके इनबॉक्स में आपके ईमेल से ही मैसेज आए तो दिमाग चकराएगा। ये मालवेयर है। उगाही का ये तरीका इतना कारगर है कि इसे बचने के लिए बाकायदा एंटी रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर बनाने पड़े हैं। अब आपके साथ ऐसा हो तो वही बात, आपने घबराना नहीं है। एक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस एक ब्लफ मारा जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं। कुछ है तो भी इन डकैतों से सौदा करने की बजाय कानून का सहारा लेना बेहतर है। सब चंगा सी, आप दुनिया के कितने ही लंबे हाईवे पर गाड़ी दौड़ा लीजिए, कितनी ही स्पीड मेंटेन कर लीजिए, कहीं ना कहीं जाकर आपको ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर भी आपको मिलेंगे। कहने का मतलब है सब कुछ हमेशा के लिए स्मूथ नहीं हो सकता। अब सिस्टम के साथ भी ठीक ऐसा ही है। आपका सिस्टम यदि ऐसा करने लगे, मतलब सब सही से चले, ना रिफ्रेश मारने की जरूरत पड़े ना रीस्टार्ट, तो समझ लीजिए कोई शैतान मालवेयर शांति से कब्जा किए बैठा है और इंतजार कर रहा है अपने आकाओं से आगे का आदेश मिलने का।
ये तो हो गए मालवेयर को पहचानने के तरीके, अब निपटने के उपाय भी जान लीजिए तभी बात बनेगी। आपको लगता है मालवेयर नाम का बिन बुलाए मेहमान आपके सिस्टम पर आ ही गया है, तो बिना देर किए एंटीवायरस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आपके सिस्टम में एंटीवायरस ऐप इंस्टॉल था लेकिन मालवेयर ने तब भी एंट्री मार ली, तो एंटीवायरस ऐप को अपडेट कीजिए और मैन्युअली उसको स्कैन भी करना है। मालवेयर एंटीवायरस ऐप्स के बीच में से रास्ता बना लेते हैं, इतना करने पर आमतौर पर चुटकू मालवेयर से पीछा छूट जाता है। लेकिन मान लीजिए मालवेयर थोड़ा अकड़ू है और जाने का नाम ही नहीं लेता, तो फिर आपको एंटी मालवेयर ऐप की जरूरत पड़ेगी। एक बार ऐसे मालवेयर से मुक्ति मिल जाए तो दरवाजे पर मोटा ताला जड़ दीजिए, मतलब सिस्टम की सुरक्षा मजबूत कीजिए। एंटी मालवेयर ऐप्स तो है ही, वीपीएन का इस्तेमाल भी बेहद कारगर है, या आपके इंटरनेट कनेक्शन को इनक्रिप्ट करके आपका लोकल डेटा सुरक्षित रखता है। अच्छी बात यह कि वीपीएन ट्रैवल करते समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना सब आपने कर लिया तो हमें पूरा यकीन है आपको घबराना नहीं पड़ेगा। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी सूर्यकांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।